दोस्तों, काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पीओके बोला जाता है, उसको क्यों नहीं ले पाया। इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं और हर लड़ाई में हम जीते हैं, फिर भी उसको क्यों नहीं लिया गया। तो आज मैं इस पर ही थोड़ी बात करूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, 1971 में वो वॉर भी बुरी तरह हारे थे, दो टुकड़े हो गए थे, 1948 में भी हारे, 1998 में भी हारे। तो हर लड़ाई में पाकिस्तान हारा है और भारत के पास जो है एक अपर हैंड था, लेकिन फिर भी जो है पीओके वापस नहीं लिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसके लिए थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। तो पहली बात जो आपको जाननी है कि भारत का पीओके पर कभी कंट्रोल नहीं था, ये एक फैक्ट है। तो हुआ ये था कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ, उस समय जो है जम्मू कश्मीर एक आज़ाद देश की तरह था। 1947 के एंड में पाकिस्तान ने जो है उस पर हमला किया और जल्दबाजी में जो है कश्मीर के राजा हरी सिंह ने जो है क्या किया, उन्होंने कश्मीर का भारत में विलय कर दिया ताकि पाकिस्तान से बचा जा सके। और उस समय भारत ने अपनी सेना भेजी और पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ दिया और दो तिहाई कश्मीर जो है उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। एक तिहाई कश्मीर बचा रह गया जिसको पीओके बोला जाता है। और उस लड़ाई के दौरान जब भारत जो है दो तिहाई पर कब्जा कर चुका था, उसके बाद जो है ये मुद्दा यूएन में चला गया, और यूएन में चला गया तो उसको बातचीत और रेफरेंडम से सुलझाने की लीजिए जो है वो बात हुई। और उस समय जो जहाँ था वो वहीं रहे वाली पॉलिसी अपनाई गई, यानी इंडिया 2/3 ले चुका था, तो यानी 2/3 पर पोजीशन पर वो रहे, पाकिस्तान के पास 1/3 था तो वो वहीं रहे। और उसके बाद जो है भारत ने अपनी सेना को और आगे नहीं बढ़ाया। तो भारत जो है कश्मीर पर अपना दावा करता है इस आधार पे क्योंकि कश्मीर के राजा हरी सिंह ने जो है कश्मीर का लीगली आधिकारिक तौर पे भारत में विलय कर दिया था 1947 में, यानी कि एक्चुअल में कश्मीर भारत का ही है, कश्मीर जो है भारत की प्रॉपर्टी हो जाती है। पाकिस्तान जो है इस आधार पर कश्मीर पर अपना अधिकार जमाता है ये बोल के कि कश्मीर की जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है और भारत का बंटवारा जो है वो हिंदू मुस्लिम थ्योरी पर ही हुआ था। तो इस आधार पे जो है पाकिस्तान जो है अपना दावा उस पर करता है। हालांकि आपको ये दोनों ही फैक्ट देखकर समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में किसका अधिकार वहाँ पर बनता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें, उससे पहले ज़रा आप इस नक्शे को देखिए। इसमें जो आपको दिख रहा है पीओके वाला हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, बाकी का हिस्सा भारत में है। तो ये जो सफ़ेद रीजन आपको दिख रही है, जितना भी सफ़ेद एरिया आपको दिख रहा है, ये है पूरा पहाड़ी इलाका, और कोई मामूली पहाड़ी इलाका नहीं है, ये है हिमालय की पहाड़ियों का इलाका जो कि बहुत ही ऊंची है, बहुत ही दुर्गम है। तो ऐसी पहाड़ी का इलाका जो है ये है, तो काफ़ी डेंजर वाला इलाका है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी वाला एरिया, यानी कि भारत के जो हिस्से में आ रहा है वो भी पहाड़ी इलाका है। तो अगर भारत को पीओके में जाना है तो मैक्सिमम एक्सेस जो है उसको उस वही पहाड़ी एरिया से मिलता है, ना कि ज़मीनी एरिया से, तो जो मुश्किल होता है। वहीं आप पाकिस्तान की तरफ साइड पे जाएंगे तो आपको मैक्सिमम एरिया ज़मीनी दिखता है और बर्फीला पहाड़ी वाला एरिया कम दिखता है। तो कश्मीर की जो एरिया है अधिकतर पहाड़ी है और पीओके में जो आता है वो पूरा ही लगभग पहाड़ी इलाका है। तो क्या पहाड़ी इलाके को कब्जा करना मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल काम है, लेकिन ये काम हम कर सकते हैं, हमने किया भी है। हमने सियाचिन को पाकिस्तान से छीना 1948 में, और सियाचिन जो है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे टफस्ट बैटल ग्राउंड है। तो जब हम सियाचिन को ले सकते हैं तो हम पीओके को भी बड़ी आसानी से ले सकते हैं, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण हम उसको नहीं लेते। तो पहला जिसका मैंने डिस्कशन किया कि कश्मीर पर जो एक्सेस है वो पाकिस्तान की साइड से ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाकों से हमें गुजरना पड़ेगा, पाकिस्तान को जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जो है ज्योग्राफिकली एक एडवांटेज वाली पोजीशन में
आ जाता है। तो ये एक रीज़न है कि जो है हमने 2/3 कश्मीर पर कंट्रोल कर दिया, लेकिन बाकी पर जो है वो हम नहीं किया, और जिसके कारण पीओके बन गया। तो डेमोग्राफी के हम बात करें तो वहाँ पे टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि एंटी इंडिया है और जो कि प्रो पाकिस्तानी है, और ये ऐसी पॉपुलेशन है जिसका जो कि भिखारी जैसी हालात में रह लेंगे, एक लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह लेंगे, लेकिन इस्लाम के नाम पर वो भारत का विरोध करेंगे, और भले ही पाकिस्तान जो कि उनको बहुत ही घटिया लाइफ दे रहा है, फिर भी उसका साइड जो है इस्लाम के नाम पर ले लेंगे। तो ऐसी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है वहाँ की। तो हम ऐसी पॉपुलेशन पर अगर कंट्रोल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल में रखने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, इसको रिटेन करना जो है बड़ा कॉस्टली रहेगा, क्योंकि पीओके के जो लोग हैं वो हमारे लिए परेशानियां ही खड़ी करेंगे, और जिस तरह का ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट है, जिस तरह के रफ टेरेन है वहाँ पे, हमारा खर्चा जो है बहुत ही ज़्यादा होगा उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो अगर हम जो है पीओके को मान लीजिए कैप्चर कर लेते हैं, तो हमें पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे डिफेंस चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और जैसा कि पहले मैंने बोला, यहाँ पे पाकिस्तान जो है एडवांटेज वाली पोजीशन में आता है ज्योग्राफिकल रीजंस के कारण। और जो है दूसरा हमारा नुकसान ये होगा कि अभी जो है हम कश्मीर की कुछ एरिया में फेंसिंग कर रहे हैं, अब हमें और ज़्यादा पे करनी पड़ेगी अगर हम पीओके पे ले लेते हैं, तो ये और हमारा खर्चा बढ़ा देगा और मुश्किल काम हो जाएगा। तो अभी भी जानते हैं कि आप आज़ादी के इतने ज़्यादा साल हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी हम कश्मीर बॉर्डर को कम्प्लीटली सील नहीं कर पाए हैं, और क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत इलाके जो है उतने आसान नहीं है, सीधे नहीं हैं। तो अगर आप सोच लीजिए कि हम पीओके भी ले लें तो ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा एक और रीज़न हो जाता है कि सीपैक जो है जिसमें जिसके थ्रू पाकिस्तान में जो है चाइना ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रास्ता जो है वो पीओके से होके जाता है। तो हम अगर उसको लेने की कोशिश करते हैं या लेते हैं, तो हमें चाइना की तरफ से भी कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, कुछ और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको रिटेन करने में हमें बहुत सारे संसाधन खर्च करने पड़ेंगे, बहुत सा पैसा, बहुत सारी फौज, और बहुत कुछ हमें जो है अपना खर्च करना पड़ेगा, ना सिर्फ जीतने के लिए बल्कि पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि तो उसको रिटेन करना, उसको मेंटेन करना आसान काम नहीं है, वो एक अच्छा इलाका नहीं है, और उधर के जो लोग हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। तो अभी जो आतंकवादियों के जो टेरर हब्स हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो कि मेनली पीओके में हैं, अगर हम उसको कैप्चर कर लें तो वो जो बॉर्डर के पार हैं वो अब हमारी बॉर्डर के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो है हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेंगे। तो अभी जो समस्या सिर्फ कश्मीर तक है, हो सकता है वो कई और राज्यों में भी हो जाए। और एक और ख़तरा ये पैदा हो जाएगा कि अभी हमारी बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, लेकिन पीओके अगर हमें मिल जाएगा तो वो अफगानिस्तान से भी मिलने लगेगी, जो कि तालिबान, आईसिस जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों का गढ़ है, और सारा जो है उनका ऑपरेशन जो है उस बॉर्डर एरिया पे चलता है। तो एक खतरनाक आतंकी संगठन को भी हमें डील करना पड़ सकता है अगर हम इसको ले लेते हैं। तो एक इतने सारे रीज़न जो हैं आप देख रहे हैं, उसको देख के आप समझ सकते होंगे कि इसको लेना में जो है नुकसान ज़्यादा है। और एक पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो अगर इसको लेना सबसे सही था तो वो सही था 1948 में, क्योंकि उस समय इतनी गंभीर समस्या नहीं थी जितनी कि आज हो चुकी है। तो जनरल थिमाया जो कि आज़ाद कश्मीर के एरिया में लड़ रहे थे, उन्होंने नेहरू से बहुत गुहार लगाई थी कि आप 3 हफ्ते रुक जाइए, 3 हफ्ते के अंदर जो है हम हर चीज़ पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन नेहरू को जो है यूएन में जाने की बड़ी जल्दबाजी थी, तो वो जो है उस चीज़ को सुने नहीं थे। 1965-71-84 में भी जो है हम इसको ले सकते थे, लेकिन तब तक हालात जो है काफ़ी बदल चुके थे, भारत से नफरत करने वाले टेरर हब्स और ये चीज़ें जो है वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जब तक बन चुका था। तो उसके बाद जो है इकोनॉमिक रीज़न से, स्ट्रेटेजिक रीज़न से, कई कारणों से जो है हमारे राजनीतिक लोगों को, हमारी सेनाओं को ये लगा कि उसको ना लेने में ही समझदारी है, और ये बात भी सही है।
तो अगर हमने ले लिया होता पीओके को, तो हमारे बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हमें अपनी सेना को लगाना पड़ता उसको मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए, और फ़ायदा हमें जो है कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप बिजनेस नहीं लग कर सकते, आप इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते, आप खेती नहीं कर सकते, इस तरह का वो इलाका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे उसको डेवलप कर सकते थे, पर ये काम असंभव जैसा है। अगर ऐसा हो पाता तो पाकिस्तान अब तक कर चुका होता, जो कि बिल्कुल भी नहीं कर पाया। हम भी कश्मीर को कर लेते क्योंकि कश्मीर भी वैसा ही इलाका है, पर हम भी कश्मीर को जो है पूरी तरह वैसा नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो आप समझ सकते हैं कि वो काम कितना आसान है। तो मोटी मोटी बात यही है कि पीओके को कैप्चर करना मुश्किल नहीं है, हमने पाकिस्तान को 4 बार हराया है, तो हम उसको आसानी से फिर भी हरा सकते हैं, कई बार हरा सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन इसको लेने के खर्चे ज़्यादा हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो यही रीज़न है कि हम इतनी बार जो है लड़े, जीते पर लिया नहीं। तो इसको कैप्चर ना करने पे जो है हम बहुत सारे संसाधनों को बचाते हैं, और ये संसाधनों को बचा के जो है हम उनका इस्तेमाल देश की प्रगति में करते हैं। तो यही एक कारण है कि हम जो है आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो एक प्रॉस्परस कंट्री जो है एक उस देश से ज़्यादा अच्छी होती है जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो। तो साइज़ मैटर नहीं करता है, आप कितनी समृद्ध हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आप देखिए कि भारत में जो है कश्मीरियों की आबादी 1% है, लेकिन भारत को जो है उस पर 10% करीब खर्चा करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो अगर पीओके भी हम में शामिल होता तो ये खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया होता, और जबकि उस एरिया की जो लैंड है वो 1.5% ही है। तो आप देखिए, एक 1.5% लैंड के लिए हमें इतना खर्चा करना पड़ता है, और ये खर्चा जो है बाकी के 98% से ज़्यादा के हिस्से पर उनके विकास पर असर डालता है। तो इतने सारे रीजंस हैं जिनके कारण जो है हम समझ सकते हैं कि पीओके इज़ नॉट वर्थ, उस पर उसको कब्जा करना, उसको लेना, उस पर इतना खर्चा करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और यही रीज़न है कि हमने जो है उसको नहीं लिया, भले ही हमने कई बार पाकिस्तान को बुरी तरह हराया और उसको सरेंडर भी करवाया। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप अपने विचार भी कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए। तो आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।